शुक्रवार को पिता महिला मंडल का 25वां दीपावली बाजार आगामी 12 अक्टूबर से मोती झील स्थित एक होटल में लगने जा रहा है। ये जानकारी मंडल के अध्यक्ष पीयूसी ओसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि बाजार का उद्घाटन राज्य मंत्री श्रीमती नीलमा कटियार द्वारा किया जाएगा। 2 दिवसीय इस बाजार में करीब 60 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसपे घरेलू साज सज्जा के समान कपड़े व अन्य स्टॉल होंगे। वार्ता में मौजूद ऋचा झाशर ने बताया कि इस बाजार में दिल्ली, मुंबई, बनारस एवं कोलकाता की महिलाएं भी स्टॉल लगाएंगी। ये प्रेस वार्ता बुलाई है, ये अर्पिता महिला मंडल की जो दिवाली बाजार है 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर कान्हा गैलेक्सी में, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। क्या खास रहेगा आपकी जो बाजार आप लगा रहे हैं दीपावली की? अब की बाजार जो लगा रहे हैं खास, सब जो आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने बाहर से हैं, सारी फीमेल्स जो पार्टिसिपेट कर रही हैं स्टॉल होल्डर, वो सब बाहर से हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारी संस्था का 25वां साल है, सिल्वर जुबली ईयर है, उसी उपलक्ष में हम लोगों ने थोड़ा सा बाज़ार को उस तरीके से करने की कोशिश करी है कि जो भी प्रोसीड्स हम और आएंगी हमारी बाजार की, उसको हम और चैरिटी में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लगभग 60 स्टॉल हैं। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि श्रीमती नीलिमा कटियार जी हैं। इससे जो फंड आया है क्या मतलब चैरिटी में जाएगा? जी, पूरा चैरिटी में जाता है, उसी के फंड से। ये जो हमारा सेंटर है जागृति सेंटर, यहाँ पे बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, डांस की शिक्षा, म्यूजिक की शिक्षा दी जाती है। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक लाइब्रेरी भी बनाई है, जहाँ पे बच्चे आकर के किताबें इशू करके उनको पढ़ सकते हैं। पर क्योंकि पिछले साल कोरोना, जैसा कि सब जानते हैं, सब इस चीज़ से अवगत है, कोरोना के होने के वजह से हमको एक साल थोड़ा सा रुकना पड़ा। आगे और भी दिल्ली से हैं, बम्बई से हैं, आगरा से हैं, कलकत्ता से हैं, बनारस, बॉम्बे, मतलब कि हमने कोशिश करी है कि हम जहाँ से ज़्यादा, जहाँ से आ सके उनको वैरायटी मिल सके हमारे उपभोक्ता को, जो शहर की फीमेल्स हैं जो पार्टिसिपेट आ रहे हैं। क्या अर्पिता महिला मंडल से जुड़े हैं सब? नहीं, कुछ अपने मेंबर्स हैं जो अर्पिता महिला मंडल से जुड़े हैं, लेकिन बाकी सब बाहर के हैं, वो मंडल से नहीं जुड़े हैं।